हेलो दोस्तों, आप सभी का किसान की बात चैनल पर स्वागत है। आज हम ऐसे कीटक के बारे में जानने जा रहे हैं जो मक्के के ऊपर अटैक करके मक्के की पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। इस कीटक का नाम है आर्मी वर्म, जिसे हम सैनिकी कीट भी कह सकते हैं। यह कीट हमारे देश के लिए नया है, लेकिन इसके प्रकोप से हर कोई किसान परेशान है। प्रति एकड़ हम मक्का से 20 से 25 क्विंटल उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन अगर इस कीटक का अगर प्रकोप होगा तो हमारा उत्पादन जो है 10 से 12 क्विंटल घट सकता है। तो इसीलिए इस कीटक को हमें समय पर ही कंट्रोल करना ज़रूरी है। जानते हैं कि यह कीटक आया कहाँ से। यह कीट का मूल ओरिजिन दक्षिण अमेरिका है। कुछ साल पहले दक्षिण अमेरिका से वह दक्षिण अफ्रीका चला गया। दक्षिण अफ्रीका में उसने बहुत सारा प्रकोप करके 2018 में यह मई मंथ में भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे पहले पाया गया। उसके बाद उसने जितने भी साउथ स्टेट है, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, वहाँ पर प्रकोप करना शुरू कर दिया। जानते हैं इस कीटक के जीवन चक्र के बारे में, जिसे हम लाइफ साइकिल कहते हैं। प्रौढ़ अवस्था में जो कीटक होता है, जिसे हम पतंग कहते हैं, वह नर और मादा में मिलन करके एक मादा लगभग 1000 अंडे देती है अपने पूरे जीवन चक्र में। और उस अंडों में से जो लार्वी बाहर आ रही है, वह मक्के के पत्तों के ऊपर खाकर बड़ी हो जाती है और वह फिर प्यूपेशन में चली जाती है। प्यूपा से फिर पतंग, पतंग से फिर अंडा, अंडे से इल्ली और इल्ली से फिर प्यूपा। सो इस तरह से इनका जीवन चक्र चलता है। आप इस कीटक को पहचानेंगे कैसे। कीटक के पीछे वाले भाग पे चार डॉट्स होते हैं और आगे वाले मुंह पे वाई कलर का शेप होता है। तो इस तरह से आप इस कीटक को पहचान सकते हैं। यह मक्का के पौधों के अग्रणीय जो भाग है वहाँ पे खाती है। उसके बाद वह जब मक्के को भुट्टे लगते हैं, जिसे हम कॉप कहते हैं, उस पर भी अटैक करना शुरू कर देती है और हमारी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। अब जानते हैं कि इस कीटक को हम कंट्रोल कैसे करें। शुरू में जब इस कीटक का प्रादुर्भाव कम मात्रा में होता है, तब आप इस कीटक को कंट्रोल करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोइट नामक दवाइयों का छिड़काव करें। यह दवाई आप प्रति एकड़ 100 ग्राम इस्तेमाल करिए और इसका लागत खर्च भी बाकी दवाइयों से कम होता है। दूसरी दवा जो है वो कोराजोन है, जिसको आप 60 मिली प्रति एकड़ यूज़ कर सकते हैं। 15 लीटर के पंप में आपको 6 मिली इस्तेमाल करना है। तीसरी दवा जो मैं बताने जा रहा हूँ, वह बायर कंपनी की लार्विन है, जिसको आपको 300 ग्राम प्रति एकड़ यूज़ करना है। आप 15 लीटर के पंप में 30 ग्राम दवा छिड़का सकते हैं। चौथी दवा जो मैं बताने जा रहा हूँ, यह सिंजेंटा कंपनी की फोर्टेंजा ड्यू नाम की दवा है, जिसे आप बीज उपचार के लिए, यानी इसको मतलब सीड ट्रीटमेंट के लिए बुआई से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा से एक तो कीट भी कंट्रोल हो जाएगी और सीड जर्मिनेशन यानी कि बीज अंकुरण भी अच्छा होता है। तो इस तरह से आप इस कीटक को समय पर ही कंट्रोल करिए और अपने फसल को इस आर्मी वर्म से बचा लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोज़ देख सकें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए।